वेलकम टू सृजन लगुना बे प्रोजेक्ट। ये आपका साइंस सिटी के पास लोकेटेड है। इधर आपको 2, 3, 4 BHK सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। फिलहाल हम आपको एक 3 BHK 1346 स्क्वायर फीट फ्लैट का एक टूर देते हैं। आइए, ये जो डोर आप लोग देख रहे हैं, आपको पोजीशन के टाइम में जो मेन डोर होगा वो ऐसा ही मिलेगा। पूरा जो होगा लैमिनेटेड मेटल फिनिश ऐसा ही रहेगा। डोर हैंडल भी आपको पूरा ऐसा ही रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे कोई भी प्रोजेक्ट अगर विजिट करेंगे तो डोर हाइट आपका 7 फीट का रहता है, लेकिन हम इसमें 8 फीट का डोर हाइट दिए है। और ये जो हमारा लिविंग एरिया है और जो डाइनिंग एरिया है और जो आपका बेडरूम रहेगा, फ्लोरिंग सारा आपका इम्पोर्टेड मार्बल्स का ही रहेगा। और ये जो सीलिंग हाइट है आपका क्लियर हाइट रहेगा 10 फीट का। सब कुछ लगाने के बाद क्लियर हाइट रहेगा आपका 10 फीट का। डाइनिंग के साथ हम लोग बैल्कनी प्रोवाइड कर रहे हैं। बैल्कनी का एक व्यू आपको दिखाते हैं। बैल्कनी जो रहेगा आपका पूरा आपका एंटी स्किड विट्रीफाइड रहेगा एंड इसमें आपका पूरा टफ एंड ग्लास रहेगा। इस एरिया पे आपका वॉशिंग मशीन का जो पॉइंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो पूरा स्लाइडिंग है पूरा ऐसा ही आपको मिलेगा। ये हमारा किचन एरिया है। ये किचन आप देखिए बहुत ही स्पेसियस है। इसमें क्या है, हम विट्रीफाइड स्लैब दिए हैं। नॉर्मली क्या होता है, सारा जो किचन होता है उसमें ग्रेनाइट ब्लैक कलर का स्लैब होता है। और ऊपर में आपका 2 फीट का टाइल्स का डेडो रहेगा। इसके साथ आपका मॉड्यूलर स्विच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका स्टेनलेस स्टील का सिंक रहेगा। और इधर आपका रेफ्रिजरेटर रखने के लिए जगह भी रहेगा। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। कॉमन टॉयलेट में फिटिंग्स एज इट इज ऐसा ही रहेगा। और आपका इस टॉयलेट देखिए एरिया थोड़ा बड़ा है और इसमें हम लोग ये जो है सिंक टॉप नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो बेसिन रहेगा ये आपका हैंगिंग रहेगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। आइए देखिए, इसमें आपका जो बेड साइज होगा वो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। हम लोग जस्ट दिखाने के लिए ऐसा बेड दिए है। विंडो आपका ऐसा ही रहेगा, फ्रेंच विंडो में नीचे तो आपका गेज रहेगा ताकि आपका प्राइवेसी मेंटेन रहे। और इधर वार्डरोब का जो स्पेस है वो हम लोग ऐसा ही प्रोवाइड करेंगे। अलकोव स्पेस, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, जो फिटिंग्स रहेगा वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। एंड इसके साथ आपका ये जो बेसिन है वो आपका पूरा सिंक टॉप बेसिन रहेगा। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। आइए, ये बेडरूम देखिए बहुत ही स्पेसियस बेडरूम है। हम लोग इसमें 2 विंडो दिए हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। दोनों ही आपका फ्रेंच विंडो रहेगा। और इसके साथ हम लोग ये वार्डरोब का स्पेस भी आपको दिए हैं। ये तो रहेगा ही, इसके साथ आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा वार्डरोब भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, जिसमें हम लोग ये जो विंडो है ये आप एज ए गेस्ट रूम या स्टडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो विंडो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा आपका रहेगा फ्रेंच विंडो। फ्रेंच विंडो में आपका रहेगा ओपनेबल, ताकि आपका पूरा ओपन हो जाएगा। और नीचे आपका पूरा सील रहेगा क्लोज्ड और गेज रहेगा ताकि आपका प्रीवेसी आपका मेंटेन रहे। और हर एक जो बेडरूम होगा उसमें हम लोग ये वार्डरोब का स्पेस, जो एल्कोव स्पेस है, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। स्पेस आपका ऑलरेडी रहेगा हर एक बेडरूम में।